नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए चलिए जानते हैं आज की नई वीडियो में देवी माँ इस बार कौन से वाहन पर आ रही हैं, यानी कि देवी माँ का इस बार आगमन कैसे होने वाला है। इस साल 7 अक्टूबर गुरुवार से मातृशक्ति की आराधना का महान पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। वैसे माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्र में माँ का आगमन यानी दिन के अनुसार अलग अलग सवारियों पर होता है। तो आइए चलिए जानते हैं भक्तों कि 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रों में माँ का आगमन किस सवारी पर हो रहा है और साथ में वो कैसा फल देने वाला है, शुभ है अशुभ है। आइए भक्तों, इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भूमि तुरुंगमे गुरो शुक्रो चै ढोलियाम बुधे नौका प्रकृता, अर्थात दिन के अनुसार माता किस किस सवारी पर होता है जान लेते हैं भक्तों। नवरात्र का पहला दिन यदि भक्तों सोमवार और रविवार हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो उस साल ज़्यादा जल बरसता है नवरात्र का पहला दिन। यदि भक्तों शनिवार और मंगलवार का हो तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। घोड़े पर सवार होने का फल क्या क्या होता है, पड़ोसी देशों में युद्ध की आशंका होती है। अगर नवरात्र में पहला दिन गुरुवार और शुक्रवार का हो तो माँ का आगमन डोली की सवारी पर होता है। भक्तों जाने माता की डोली पर सवार होने का क्या क्या फल होता है। माता रानी डोली पर आती हैं तो महामारी की आशंका होती है। नवरात्र का पहला दिन बुधवार का हो तो भक्तों माता रानी नौका पर सवार होकर आती हैं। माता रानी नौका पर सवार होकर जब आती हैं तो सभी अर्थात संपूर्ण सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो श्रद्धा से भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों इस शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर दिन बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। भक्तों इस साल माता का आगमन डोली पर हो रहा है, यानी इस साल माँ का डोली पर आगमन हो रहा है। इस साल माँ का डोली पर आगमन महामारी की आशंका से भरा हुआ है। भक्तों श्रद्धा के साथ शारदीय नवरात्रों में माँ की आराधना करें ताकि माँ आपका और जगत का कल्याण कर सकें। भक्तों प्रेम से बोलो जय माता दी।